आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जैन पम्मी के ठिकाने पर छापा, कन्नौज में छापेमारी जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,764 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन से अब तक 1,270 लोग संक्रमित। साल के आखिरी दिन शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स 58,000 से ऊपर, 17,300 के पार निफ्टी। श्रीनगर के पंथा चौक में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 4 पुलिसकर्मी घायल। शरद पवार का दावा, 2019 में पीएम मोदी चाहते थे एक साथ आए बीजेपी और एनसीपी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जहां जनता में अपार उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर राज्य को मिली सौगात को लेकर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से आस्था दिखाई है, उससे उत्तराखंड लाभान्वित हो रहा है। भगवानपुर में हाशिए पर पहुंच चुकी बसपा अब 2022 चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। बसपा की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बसपा प्रदेश प्रभारी सहित तमाम पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश के समर्थन में भारी संख्या में भीड़ सम्मेलन में पहुंची। साथ ही सम्मेलन में पहुंचे कई लोगों ने बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में हो रहा है, प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे विधानसभा में आज ये कार्यक्रम हुआ है और ये जनसलाब आपके सामने है। सर समाज का जनसलाब है और सर समाज ने यहाँ पर तय किया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सुबोध राकेश को जनता सेवा करने का मौका देना है, क्षेत्र को विकास की गति देनी है। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश प्रभारी सुबोध राकेश को भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राय ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बसपा की है। अभी तक जो भी यहाँ लोग जीते ना जीते, लेकिन यहाँ आप ये देख लो, सब आपको बहुजन समाज पार्टी के उस समय के लोग दिख रहे जब सारे शुरू से काम करना शुरू किया था। बहुजन समाज पार्टी का एक एक पुराना वर्कर यहाँ देख रहा है और ये जितने लोग भी दिख रहे हैं ये सब बहुजन समाज पार्टी के पुराने लोग हैं। हमने केवल कोई जादू नहीं किया, हमने केवल पुराने लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान उनका जगाने काम किया। और जैसे हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने का ये संदेश था कि उत्तराखंड में इस बार हमको सरकार बनाना है, एक एक पुराने वर्कर को तैयार करके सड़क तक उतार दो। और सड़क पर उतरते ही पुराना वर्कर आज उतर चुका है, तो उसका सिलसिला। खबर झबरेड़ा से है, जहां विधायक देशराज कर्णवाल ने उदिया लेडी मुड़ियाकाई समेत कई गांवों और इंटर कॉलिंग
टाइल्स से बनने वाली सड़कों का फीता काट कर उद्घाटन किया। देशराज कर्णवाल लगातार अपनी विधानसभा में विकास कार्य कर रहे हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि अगर जगत को लगता है कि अगर विधानसभा में विकास हुआ है तो उसको वोट जरूर देंगे। ये उद्दलिडी से मुंडिया की जो एक रास्ता जाता है, इस पे 5-6 गांव हमारे किसानों के बहुत लाभान्वित होते हैं। कुमराड़ी, कुमराड़ा, लहबोली, मुंडे, ये अपना उद्दलिडी, मन्नाखेड़ी, ये सभी किसानों के लिए बहुत पुरानी एक मांग थी। अब से लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पे SDM महोदय भी मौके पर आकर निशानदेही कराकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकारें आती रही, ये रास्ता नहीं बना। अब की बार भाजपा की सरकार में माननीय विधायक देशराज कर्णवाल जी द्वारा उनके प्रस्ताव पर PWD ने पहले टुकड़े में ये हमारे आधा रास्ता तैयार कर दिया था, जो आप लोग देख भी रहे हैं, जिससे चल के आए हैं, और ये आगे का टुकड़ा भी आज इसका उद्घाटन हो गया है। ये निश्चित रूप से अच्छी सड़क बनेगी और लगभग 7-8 गांव को इसका लाभ होगा। इससे सभी किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं और मील की दूरी तो मात्र 2 किलोमीटर रहेगी घट के, तो बहुत अच्छा कार्य ये विधायक जी द्वारा कराया गया है हमारे गाँव में। पूरे गाँव की तरफ से और 7-8 गांव की तरफ से हम माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं। का गांव है और मैं ये कह सकता हूं कि आज इस गांव के सर्वांगीण विकास में ये 3 लोकार्पण, रविदास मंदिर से मेन हाईवे तक, हाईवे से दूसरे हाईवे से मंदिर तक और मुंडिया की से उद्दलेड़ी तक 3 सड़कें इस गांव की है। एक सड़क 31,51,000 की है, एक सड़क 80,39,000 की है, एक सड़क 11 लाख की है। ये 3 सड़कें जिसका लोकार्पण मैंने आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर। खबर नंडौरा से है, जहां बसपा पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा प्रदेश प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान रविंद्र बनियाल ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा है और ये जनता का प्यार है। वहीं प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इस बार 2022 के चुनाव में बसपा को जनता अपना आशीर्वाद देगी और जनता रविंद्र पनियाला को विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। मैं तो परमानेंट इस विधानसभा में परमानेंट रहता हूँ और काम का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है कि काम हो जाए। ये लोग तो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने लोग विधायक अपने लिए विधायक बनते हैं, जनता की इनका कोई सरोकार नहीं है। अभी यहाँ अभी रात की बात, एक बेटी थी बेचारी, उसका ऑपरेशन खराब हुआ, उसमें कोई 10 बस कट गई, उसके उसमें गरीब आदमी पर 1.5-2 लाख रुपए रात रात में लग गए और वो गृह क्षेत्र विधायक का जहाँ से वो लड़की थी, गरीब आदमी 2.5-2 लाख रुपए का बिल रात रात में भरने का कहाँ से काम किया होगा, कैसे इंतजाम किया होगा। ये एक तरीके का, अगर विधायक के क्षेत्र में ऐसे घटना घटती है तो उन लोगों का विधायक संज्ञान ले। खबर सितारगंज से है, जहां गुरु नानक फार्म पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के नामों से शहीद स्मारक और स्मृति द्वारा शिलान्यास किया और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस शिलान्यास को किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसान परेशान है और चीनी मिल बंद है, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, जनता बेरोजगार है, लेकिन भाजपा सरकार को शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। शहीद जो पथ है वो यहाँ पर बना, इनका धन्यवाद है भीमवार साहब का। भाई इस तरह की सोच पैदा हुई है, क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीद स्मारक बना रहे, आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे और गुरु घर पास में है तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी, एक ही जगह चलती रहेगी यहाँ पे। और इस तरह के विचारधारक लोग जरूर चाहिए कि जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी सोच हो। और सरकार का पूर्ण रूप से रवैया खराब है, सरकार दूसरे कामों पर लग रही है, उनका मकसद सरकार चलाने का नहीं है, जनता को बहका के दूसरे धंधों पर लगाना,
और देश को बेचने का उनका काम है। हमारे देश के बॉर्डरों पे जगह जगह हमारे देश के किसान बैठे थे और जिसमें 716 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी। उन किसानों की याद में, उनकी स्मृति में हमने ग्राम गुराना फार्म में एक ऐतिहासिक कार्य उनके नाम से, उनकी स्मृति में हमने शहीद स्मारक घोषणा की, उसको पूरा किया, शिलान्यास हो गया और शहीद किसान मार्ग 1 किलोमीटर मार्ग पूरा बनना चालू हो गया, बजरी पड़ गई और इसमें डामरीकरण गर्मी में कराएंगे, अभी कराएंगे तो खड़ जाएगा ठंड में। इसलिए अभी मलपुरी में सरदार सुखचैन सिंह उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।